हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरा नाम है प्रशांत सिंह और मैं स्वागत करता हूं आप सबका दक्षिणा एक क्लासरूम प्लेटफॉर्म पे। तो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 3 में, यानी कि लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे अबाउट जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, आज हम देखेंगे उसके आगे। तो लेक्चर स्टार्ट करो उससे पहले आई होप आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे होंगे और अपना और अपने फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। तो स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। हाथ में लीजिए पेन एंड पेपर एंड चेहरे पर रखिए बड़ी सी स्माइल। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन के साथ, छोटा सा क्वेश्चन है ना, उससे आपका केमिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल काइनेटिक्स के बीच लिंक भी लगेगा। तो ये क्वेश्चन मेनली जो है डिपेंडेंट है, मतलब आपकी केमिकल इक्विलिब्रियम की नॉलेज कैसे है उस पे। अगर आपने केमिकल इक्विलिब्रियम सही से पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आपके लिए चुटकी का क्वेश्चन है, अदरवाइज थोड़ा टाइम लगेगा, आपको फिर से समझना पड़ेगा, राइट। और इस क्वेश्चन से आपका केमिकल इक्विलिब्रियम का भी थोड़ा बहुत रिविजन हो जाएगा। अब तक हमने जहां जहां रेट निकाला है मोल पर लीटर पर सेकंड में निकाला, मैंने बोला था कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम हो सकता है, लेकिन अगर गैसियस रिएक्शन है तो वहां प्रेशर भी दे सकता है कंसंट्रेशन की जगह। तो ये क्वेश्चन कुछ उसी से रिलेटेड है। तो मोस्ट ऑफ द पार्ट इसका केमिकल इक्विलिब्रियम पे डिपेंडेंट है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन कह रहा है रिएक्शन है आपके पास, ए टू बी गैस है ना, ये कन्वर्ट हो रहा है आपका किसमें, ए टू गैस में प्लस हाफ बी टू गैस में, ऐसा करके रिएक्शन है। कह रहा है कि स्टार्टिंग में जो इनिशियल प्रेशर है आपका, है ना, इनिशियल प्रेशर है आपका, बिल्कुल जब आपका शुरुआत जो आपका रिएक्शन हुआ था, जो इनिशियल प्रेशर है वो कितना आपका 100 mm Hg है। इनिशियल प्रेशर आपको दिया है 100 mm Hg दिया हुआ आपको, ठीक है, 100 mm Hg दिया इनिशियल प्रेशर। और 5 मिनट के बाद रिएक्शन में 5 मिनट के बाद आफ्टर फाइव मिनट्स जो प्रेशर है ना, 5 मिनट के बाद आफ्टर 5 मिनट्स जो प्रेशर है वो आपका, आफ्टर 5 मिनट जो प्रेशर हुआ आपका, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू टोटल प्रेशर आपका कितना है, 120 mm Hg, कितना है 120 mm Hg, है ना, आपके 5 मिनट के बाद जो प्रेशर हुआ आपका 120 mm Hg है ना। आपका टी इक्वल टू 0 से टी इक्वल टू 5 मिनट के बीच में आपसे रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ए टू बी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपका, एवरेज रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ए टू बी पूछ रहा है, ठीक है, आपसे क्वेश्चन है एवरेज रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ए टू बी पूछ रहा है। एवरेज रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं है, याद रखना, रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस में डिफरेंस होता था, मैंने आपको बताया था। यहां पूछ रहा है आपसे एवरेज रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो अगर जो है आप लिखना चाहो सॉल्यूशन इसका, है ना, तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होता है, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन या आप कह सकते हो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की बात हो रही है, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन बोलो या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बोलो, दोनों आपका किसके इक्वल आएगा, माइनस डी ए टू बी बाई डी टी के इक्वल आएगा, राइट। रेट ऑफ रिएक्शन अलग होता है, अगर आप इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहो तो कैसे लिखते, याद आ रहा आपको, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू वन अपॉन क्या, कोफिशिएंट ऑफ ए टू बी, तो माइनस डी ए टू बाई बी बाई डी टी इज इक्वल टू प्लस डी ए टू बाई डी टी, क्योंकि कॉफिशियंट इन दोनों का 1:1 है और कॉफिशियंट आपका बी टू का क्या 1/2 है, तो 1 upon 1 by 2 इज इक्वल टू 2 प्लस डी बी टू बाई बी टी डी टी, ऐसा, ठीक है। ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन में आप कॉफिशियंट को भी इंक्लूड करते हो, रेट ऑफ रिएक्शन में आप बस कॉफिशियंट को भी इंक्लूड करते हो, तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू 1 of कॉफिशियंट ऑफ ए टू बी इंटू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए टू बी। अब यहां कॉफिशियंट 1 है तो लकीली ऐसा हो रहा है ना, या तो फॉर्चुनेटली ऐसा हो रहा है कि रेट ऑफ डिकम्पोजिशन या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वल है। अगर आप यहां पे बोलने जाओ तो ये क्या है आपका, ये पर्टिकुलर अमाउंट आपका है रेट ऑफ डिकम्पोजिशन या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए टू बी। अब चूंकि इसका कोफिशिएंट 1 है तो 1/1 करने को ये क्या है, चेंज नहीं हुआ, तो रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वल है। ये सिर्फ एक लक की बात है, चांस की बात है, राइट। तो इसमें क्लियरली हमने डिफरेंस पता पहले से, तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इतना है।
यानी बेसिकली चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए टू बी अपॉन चेंज इन टाइम बोल रहा है, ठीक है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए टू बी कितना है, कंसंट्रेशन आपको प्रेशर के टर्म में दिया हुआ है, तो प्रेशर निकालना आपको अपॉन डीटी, टाइम का डिफरेंस कितना, 0 मिनट से 5 मिनट। तो देखिए अब यहां से पूरी हमारी केमिकल क्रिया भी लगने वाली है। तो बेसिकली हमारा क्या दिया हुआ है, रिएक्शन है हमारा ए टू बी गैसियस गिव्स ए टू गैस प्लस हाफ बी टू गैस। अगर आप टाइम टी इक्वल टू जीरो पे देखो और टी इक्वल टू 5 मिनट्स पे देखो तो डिफरेंस क्या है, देखो है ना, आपको क्या प्रेशर के टर्म में जब इक्वेशन लिखते थे प्रेशर और नंबर आपको बिल्कुल सेम रखते थे, याद आ रहा हो आपको। तो स्टार्टिंग में आपको दिया टोटल प्रेशर कितना 100 bar जी, है ना, जब तक कुछ मेंशन नहीं आप इसको 001 हो गए, राइट। अब जो है आफ्टर 5 मिनट आपने मान दिया यहां से आपका कितना प्रेशर कम हुआ, पी एक से हमने पी घटाया, यहां से 1 mole से 1 mole बन रहा है, तो अगर यहां से पी घटाया तो यहां कितना प्रेशर इसकी वजह से होगा पी, और यहां पर देखिए 1 से 1/2 हो रहा है तो यहां पर प्रेशर आएगा पी बाई 2। ये हमने केमिकल क्रिया में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, राइट। देखिए यहां देखिए 1 mole से 1 mole, 1 mole से 1/2 mole, तो यहां अगर आपने पी माइनस किया तो यहां पी और यहां पर पी बाई 2, टोटल प्रेशर यहां पर 100 mm, और यहां पे कितना है, यहां पे टोटल प्रेशर है 100 - P + P + P/2, P से P कैंसिल, तो जो टोटल प्रेशर हुआ वो कितना हुआ आपका 100 + P/2 हुआ, ये हुआ आपका टोटल प्रेशर, और टोटल प्रेशर दिया आपको 120 mm of Hg, यहां से P की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करो सही से, P की वैल्यू आएगी 40 mm of Hg, P की वैल्यू क्या आएगी आपकी 40 mm of Hg, करके देख लो यार बहुत आसान है, इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे है ना, आपके 100 आएगा इधर, 120 - 120 बचेगा, फिर ये 2 आएगा मल्टीप्लाई होकर P इक्वल टू 40 mm of Hg आ जाएगा, सिंपल सी बात। आपका अगर P इक्वल टू 40 mm of Hg आ गया तो आप देखो है ना T इक्वल टू 5 मिनट पे इसका प्रेशर हुआ क्या, अगर आप P की वैल्यू 40 mm of Hg पुट करो तो इसका प्रेशर हुआ कितना, इसका प्रेशर हुआ यहां पर T इक्वल टू 5 पे इसका प्रेशर हुआ 60 mm of Hg, क्या हुआ 60 mm of Hg। तो रेट क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज इक्वल टू, ठीक है, इनिशियल देखो माइनस ऑफ, माइनस लगाएंगे क्योंकि है ना ये रिएक्टेंट की बात हो रही है, माइनस ऑफ आपका फाइनल प्रेशर 60, इनिशियल प्रेशर 100, फाइनल प्रेशर इसका कितना है 60 और इनिशियल प्रेशर 100 अपॉन टाइम कितना आपका 5 मिनट, याद रखेंगे मिनट में पुट कर रहे हैं, तो आ जाएगा प्लस 40/5 इज इक्वल टू आएगा आपका 8 mm of Hg/min, क्या आ जाएगा आपका 8 mm of Hg/min। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको ध्यान रखना चाहिए, आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। तो प्रेशर को हमने क्वेश्चन कर दिया है, आगे भी हम प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो आप इसको नोट करो, हम आते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे, जहां हम पहले थे लास्ट क्लास में, हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे ही थे, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। उसमें हमने कर लिया था जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स वो रिएक्शन होती थी जिसमें जो है आपका रेट लॉ इस तरह से लिखा होता था कि रेट इज इक्वल टू के इंटू रिएक्टेंट पे पावर, रिएक्टेंट के कंसेंट्रेशन पे पावर 0, यानी कि रिएक्टेंट के कंसेंट्रेशन पे, यानी कंसेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होती थी इसकी रेट, रेट इज इक्वल टू आता था कॉन्स्टेंट, हमारा क्या था जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, क्या था हमारा जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स इसमें हमने डिस्कस किया था, इसमें हमने अच्छे से डिस्कस किया था कि हमारा एक रिएक्टेंट है ए, वो आपका बी बना रहा है, ठीक है, तो इसके लिए जो रेट होगा वो होगा आपका रेट इज इक्वल टू होगा के ए नॉट पे पावर 0, ये हमने डिस्कस कर लिया था, दैट इज इक्वल टू रेट इज इक्वल टू क्या आया था हमारा के, रेट इज इक्वल टू के आया था, और हमने डिराइव भी कर लिया था, हमने क्या डिराइव कर लिया था, देखो हमने कहा था टी इज इक्वल टू 0 पे, टी इज इक्वल टू 0 पे, टी इज इक्वल टू टी पे हमने इसका कंसंट्रेशन ए नॉट लिया था, टी इज इक्वल टू 0 पे हमने इसका कंसंट्रेशन लिया था ए नॉट, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन इसका था ए नॉट और इसका था 0, और फाइनल मतलब टी इक्वल टू टी पे इसका कंसंट्रेशन था एटी, जो आपका किसके इक्वल आता है ए नॉट माइनस एक्स के, और ये बनता है आपका क्या एक्स बन जाएगा, यहां पे क्या एक्स बन जाएगा, तो टी इक्वल टू टी पे ए के कंसंट्रेशन को
कह रहे थे एटी और बी के कंसेंट्रेशन को कह रहे थे बीटी, क्या कह रहे थे हम बीटी कह रहे थे राइट। तो हमने लास्ट क्लास में जो एक्सप्रेशन निकाल लिया था, इतना हमने निकाल लिया था लास्ट क्लास में, एक्सप्रेशन निकाल लिया था कि एटी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी और एक्स इज इक्वल टू कह रहे हैं बीटी इज इक्वल टू के टी, इतना हमने निकाल लिया था। यानी कि टाइम टी के बाद ए का कंसेंट्रेशन कितना है ए नॉट माइनस के टी और टाइम टी के बाद बी का कंसेंट्रेशन कितना है के टी राइट। अब देखो सीधी सी बात है, अब हम देखेंगे कुछ और टर्म्स जो हम डिराइव करेंगे। उसमें हमारा पहला टर्म है टी हाफ, है ना, आपने टी हाफ का नाम पहले भी सुना होगा, या इसे कहते हैं आपका टी 50%। क्या कहते हैं आपका टी 50%, या इसे कहते हैं हाफ लाइफ टाइम। क्या कहते हैं आपका हाफ लाइफ टाइम, टी हाफ या टी 50% या हाफ लाइफ टाइम, है ना, आपने इसका नाम शायद पहले भी सुना होगा कभी। टी हाफ बोलिए या टी 50% बोलिए, हाफ लाइफ टाइम बोलिए, डिफिनेशन लिखेंगे इसकी, डिफिनेशन लिखेंगे हाफ लाइफ टाइम की डिफिनेशन लिखेंगे। टाइम टाइम इन विच, टाइम इन विच हाफ ऑफ द रिएक्शन गेट कंप्लीटेड, टाइम इन विच हाफ ऑफ द रिएक्शन गेट कंप्लीटेड, टाइम इन विच हाफ ऑफ द रिएक्शन गेट कंप्लीटेड, टाइम इन विच हाफ ऑफ द रिएक्शन गेट कंप्लीटेड, और लिख सकते हैं टाइम इन विच हाफ ऑफ द रिएक्टेंट, टाइम इन विच हाफ ऑफ द रिएक्टेंट, हाफ ऑफ द रिएक्टेंट गेट कंज्यूम्ड, टाइम इन विच हाफ ऑफ द रिएक्टेंट गेट कंज्यूम्ड, जिसमें आपका आधा रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाए, है ना। टी हाफ किसको बोलेंगे, वो टाइम है ना जिसमें आपका आधा रिएक्टेंट क्या हो जाए कंज्यूम हो जाए। तो अच्छा एक बात बताओ, यानी कहने का क्या मतलब कि अगर हमारा इनिशियल कंसेंट्रेशन था ए नॉट, ये क्या था हमारा इनिशियल कंसेंट्रेशन, तो आप ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि टी हाफ ऐसा है कि इसमें से आधा कंसेंट्रेशन हमारा रिमूव हो जाए, यानी कि कंसेंट्रेशन बचेगा कितना, कितना कंज्यूम हो गया, ए नॉट हमारा इनिशियल कंसेंट्रेशन था, मान लो हमने 10 मोल लिया था, आधा कंज्यूम होने का क्या मतलब हुआ 5 मोल कंज्यूम हो गया, ए नॉट हमारा इनिशियल कंसेंट्रेशन था, यानी कि हमारा कितना कंज्यूम हो गया हाफ लाइफ टाइम के बाद टी 50 के बाद कितना कंज्यूम हो गया ए नॉट बाई टू, और कितना बचा ए नॉट बाई टू। यानी कि आप ऐसा लिख सकते हो कि आपका टी हाफ के बाद एट टी हाफ जो आप है ना, एटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एटी विल बी इक्वल टू ए नॉट बाई टी, बिल्कुल सही है नहीं, ए नॉट बाई टू कह रहा है टी हाफ पे जब आपका 50% टाइम बीत जाएगा तो जो आपका एटी होगा है ना, टी हाफ का क्या मतलब हुआ, टी हाफ का मतलब हुआ कि जब आपका आधा कंज्यूम हो जाए, जब आपका आधा रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाए, टी हाफ का मतलब क्या लिख लीजिए, टाइम आफ्टर विच, टाइम आफ्टर विच हाफ ऑफ द रिएक्टेंट गेट कंज्यूम्ड, टाइम आफ्टर विच हाफ ऑफ द रिएक्टेंट गेट कंज्यूम्ड, ये आपकी डिफिनेशन है टी हाफ की, कि कितने टाइम के बाद आपका आधा रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो टी हाफ पे जो कंसेंट्रेशन बचेगा वो ए नॉट बाई टी बचेगा। तो देखो इसको इस इक्वेशन में पुट करो कि ए टी है ना कंसेंट्रेशन आफ्टर टाइम टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, ठीक है। अब देखो ए टी क्या था आपका, कंसेंट्रेशन आफ्टर टाइम टी, तो टी हाफ के बाद अगर आपको टी हाफ के बाद निकालना है तो ए टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए नॉट बाई टू कब आएगा आपका, ए नॉट बाई टू, यानी ए टी क्या है, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी, ए टी क्या है कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी, और टाइम टी हाफ के बाद 50% के बाद जब आपका आधा रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाएगा तो ए टी की वैल्यू ए नॉट बाई टू हो जाएगी, इनिशियल कंसेंट्रेशन का हाफ हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू ए नॉट माइनस के, और टी की जगह पे आएगा आपका टी हाफ, हम यहां से कर रहे हैं टी हाफ का डेरिवेशन, ठीक है। आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको इधर ले आओ तो आएगा ए नॉट बाई टू प्लस के टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट, यहां से आएगा आपका के टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए नॉट बाई टू, यहां से आपका आएगा के टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बाई टू, यहां से आपका टी हाफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से टी हाफ की वैल्यू आ जाएगी आपकी ए नॉट बाई टू के। यहां पर अगेन एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है
कि अगर आपसे जीरो ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ यानी हाफ लाइफ टाइम पूछे तो दैट विल बी इक्वल टू ए नॉट बाई टू के, ए नॉट बाई टू के, है ना। तो आप यहां से लिख सकते हैं कि आपका है टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बाई टू के, राइट। और हमारा अगला टॉपिक है ना, ये हमारा हाफ टाइम था, हमारा अगला टॉपिक है टी 100%, या इसको हम कहते हैं लाइफ टाइम, लाइफ टाइम क्या कहते हैं, लाइफ टाइम कहते हैं इसको, टी 100% है, लाइफ टाइम कहते हैं। ऑब्वियस बात यहां कहा था मैं टाइम आफ्टर विच हाफ ऑफ द रिएक्शन गेट कंज्यूम्ड, है ना, इसमें लिख सकते हैं टी 100% में लिखेंगे टाइम आफ्टर विच 100% ऑफ रिएक्टेंट गेट कंज्यूम्ड, टाइम आफ्टर विच, टाइम आफ्टर विच, टाइम आफ्टर विच 100% ऑफ रिएक्टेंट गेट कंज्यूम्ड, टाइम आफ्टर विच 100% रिएक्टेंट गेट कंज्यूम्ड, टाइम आफ्टर विच 100% रिएक्टेंट गेट कंज्यूम्ड, ठीक है। तो टी 100 पे क्या होगा, टी 100 पे रिएक्टेंट का कितना कंसंट्रेशन बचेगा, 80, 80 क्या था, 80 आपका था, 80 आपका था कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी, तो 80 इज इक्वल टू टी 100, 80 इज इक्वल टू टी 100 यानी कि आपका लाइफ टाइम की बात क्या होगा, 80 की वैल्यू जो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी आपकी, जीरो हो जाएगी, है ना। 80 इज इक्वल टू टी 100, 80 इज इक्वल टू करो जीरो हो जाएगा, 100% डेफिनेशन यही दिया हमने कि जब आपका 100% रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाए तो 80 की वैल्यू आएगी आपकी जीरो, क्या आएगी आपकी जीरो। तो आप इसको पुट करो एक बार फिर से इस इक्वेशन में, 80 इज इक्वल टू क्या डेरिवेशन था हमारा, 80 इज इक्वल टू था ए नॉट माइनस के टी, 80 की वैल्यू हमारी जीरो आ गई किस पे, ए नॉट माइनस के टी 100 पे, यहां से हमारा आएगा इसको आप इधर ले आओ तो आएगा के टी 100%, टी 100% इज इक्वल टू ए नॉट, यहां से आपका टी 100% इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए नॉट बाई के आ जाएगा, टी 100% इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए नॉट बाई के आ जाएगा, ठीक है, ए नॉट बाई के आ जाएगा, ठीक है। आप इसको देखो टी 50% की वैल्यू आई आपकी है ए नॉट बाई टू के, और टी 100% की वैल्यू आई आपकी ए नॉट बाई के, ठीक है। आप इसको नोट करो फिर हम आगे देखते हैं, ठीक है। चलो हमारी आई क्या थी, टी हाफ, यहां पे से टी 50% भी बोलते हैं, हाफ लाइफ टाइम जो भी बोलना चाहो, टी हाफ या टी 50% की वैल्यू आई थी हमारी ए नॉट बाई टू के, और टी 100% की वैल्यू आई थी हमारी क्या, ए नॉट बाई के। आप ये भी कह सकते हो कि ए नॉट बाई के क्या है, ए नॉट बाई के इज टू टाइम्स ए नॉट बाई टू के, ये जीरो ऑर्डर के लिए, सिर्फ जीरो ऑर्डर के लिए, नॉर्मल फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ जीरो ऑर्डर के लिए, आगे फॉर्मूले चेंज होंगे, आगे रिएक्शन चेंज होंगी, रिएक्शन का प्रोग्रेस चेंज होगा, याद रखें यहां से कोई भी चीज जनरलाइज ना करें, जो आप जीरो ऑर्डर में पढ़ रहे हैं वो सिर्फ जीरो ऑर्डर के लिए एप्लीकेबल है, राइट। तो आपका ये क्या है, टू इंटू क्या जाएगा, आपका टू इंटू टी हाफ आ जाएगा, सीधी सी बात है ना। तो टी 100% इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टी हाफ, ये सब याद नहीं करना आपको, ये सब तो बहुत ही आसान है, क्लियर है, इसमें कोई अलग बात नहीं, कोई नई बात नहीं, आपको ये ऑलरेडी पता है, आपको ये पता है टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बाई टू के। तो आप यहां से एक लाइन और लिख सकते हो, यहां से आप लिख सकते हो कि टी हाफ एंड टी 100% या टी 50% एंड टी 100% लिखो, ऑफ टी हाफ एंड टी 100% या टी 100% ऑफ, टी 100% ऑफ जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, ऑफ जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, टी हाफ एंड टी 100% ऑफ जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन ए नॉट, ए नॉट क्या आपका इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि टी हाफ और टी 100% यानी कि हाफ लाइफ टाइम और लाइफ टाइम आपकी जो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स की है वो ए नॉट पे डिपेंड करती है, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। अगर आप इनिशियल कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो हाफ लाइफ और टी 100% दोनों चेंज होगी, तो आपका ए नॉट दैट इज इनिशियल कंसंट्रेशन, दैट इज इनिशियल कंसंट्रेशन। तो आप इसको अगर पूरा रिएक्टेंट माने, अगर आप इसको पूरा रिएक्टेंट माने तो आप कह सकते हैं कि रिएक्शन आपका 100% से पूरा कंज्यूम होने में कितना टाइम लगा, पूरा कंज्यूम होने में टाइम लगा आपका ए नॉट बाई के, पूरा कंज्यूम होने में टाइम लगा आपको ए नॉट बाई के।
और 50% का न्यूमेनियम कितना टाइम लगा A0/2 के, है ना, 50% का न्यूमेनियम कितना टाइम लगा, यहाँ पे 0% कंज्यूम्ड है, यहाँ पे 50% और यहाँ पे 100%, ठीक है, 50% कंज्यूम होने में कितना टाइम लगा आपका, 50% कंज्यूम होने में टाइम लगा आपका A0/2 के, तो फिर बचा हुआ 50% देखो टोटल में टाइम A0/2 लग रहा है, यहां पर आपको A0/2 के लग रहा है, तो बचे हुए में भी आपको क्या लगेगा A0/2 के लगेगा, सीधी सी बात है, ठीक है, ये हो गया। और ऐसे पूछू कि ग्राफ्स, है ना, कि ग्राफ कैसा होगा, तो एक चीज बताओ, ग्राफ देखो, अब देखो रेट क्या था, जीरो ऑर्डर का रेट क्या था, रेट था आपका के A0 पे पावर जीरो, यानी आपका रेट किसके इक्वल था, रेट इज इक्वल टू के, रेट आपका कांस्टेंट था विद कंसंट्रेशन विद टाइम, तो अगर आप रेट का ग्राफ जीरो ऑर्डर के लिए खींचोगे, रेट का प्लॉट अगर आप जीरो ऑर्डर के लिए करो, रेट ऑफ रिएक्शन विद टाइम और रेट ऑफ रिएक्शन विद कंसंट्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी, आपको ग्राफ देख के भी, ग्राफ देख के भी रिएक्शन के ऑर्डर पूछ सकता है ना, यहां से भी रिएक्शन का ऑर्डर बताया जा सकता है, वी कैन प्रेडिक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रॉम ग्राफ ऑल्सो, हम ग्राफ देख के भी ऑर्डर बता सकते हैं, ठीक है, जैसे अब सीधी सी बात है, यहां पर हम लिख देते हैं वी कैन प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रॉम ग्राफ ऑल्सो, ये स्क्रीन के अंदर है ना, मोस्ट प्रोबेबली, वैसे मैंने यहां लिखा है वी कैन प्रेडिक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रॉम ग्राफ ऑल्सो, कि ग्राफ देख के भी, जैसे आप देखो यहां से पढ़ रहा है रेट आपका कॉन्स्टेंट है, तो विद टाइम रेट वर्सेज कंसेंट्रेशन खींचो, रेट वर्सेज टाइम खींचो, या रेट वर्सेज कंसेंट्रेशन खींचो, रेट वर्सेज टाइम या रेट वर्सेज कंसेंट्रेशन, दोनों आपका क्या आएगा, पैरेलल आएगा, क्योंकि आर की वैल्यू क्या है, आर इज इक्वल टू के है, आर इज इक्वल टू के है, तो अगर आपको कोई ऐसा प्लॉट मिले, ध्यान रखेंगे कि यहां कौन कौन सी क्वांटिटी है, रेट वर्सेज टाइम, प्लॉट में देखेंगे कौन सी क्वांटिटी है, रेट वर्सेज कंसंट्रेशन, रेट वर्सेज टाइम, रेट वर्सेज कंसंट्रेशन का प्लॉट क्या है आपका, पैरेलल टू एक्सिस, कोई रेट कांस्टेंट है आपका विद टाइम विद कंसंट्रेशन, राइट, अच्छा ये हो गया आपका, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा प्लॉट है जो आप खींचने वाले हैं, अब आपका है यहां पे आपका एटी खींच रहे, एटी क्या है आपका, एटी आपका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ टाइम, ये वाला प्लॉट खींच रहे, अब बताओ इसका क्या होना चाहिए, इसका प्लॉट कैसे आएगा, एटी वर्सेस टाइम, तो देख लेते एटी वर्सेस टाइम क्या रिलेशन क्या आपस में, एटी इक्वल टू क्या था आपका, एटी इक्वल टू था आपका ए नॉट माइनस के टी, इनिशियल कंसंट्रेशन तो आपका एक फिक्स वैल्यू है, अब अगर आप इसको लिखो सही से तो क्या लिख सकते हो, एटी इज इक्वल टू माइनस के इंटू टी प्लस ए नॉट लिख सकते हो, अब यहां से इसको कंपेयर करो वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो वाई एक्सिस पे आपका क्या है, वाई एक्सिस पे आपका एटी, वाई एक्सिस पे आपका एटी, एक्स एक्सिस पे आपका टी, ठीक है, तो कंपेयर करने पे आसान एकदम कि स्लोप इज इक्वल टू क्या है माइनस के, अगर स्लोप माइनस में तो लाइन कुछ ऐसी जाएगी, स्लोप अगर माइनस में, अरे बहुत ऑब्वियस सी बात है ना, ये थीटा है, स्लोप माइनस में, इसका स्लोप क्या है आपका, स्लोप यहां से कंपेयर करोगे, ये भी आप नोट करोगे, अगर आप स्लोप कंपेयर करो इस लाइन की वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई पे क्या आपका एटी, वो आपको यहां दिख रहा है ना, एक्सिस पे आपका क्या टी है वहां पे, तो आप कंपेयर करो तो एम की वैल्यू क्या आ रही है माइनस के, स्लोप की वैल्यू आ रही है माइनस की, और अगर स्लोप की वैल्यू माइनस में आती है तो आपका प्लॉट कैसा होता है, इस तरह से इंक्लाइंड होता है, राइट, डिक्रीजिंग में होता है, बहुत ऑब्वियस सी बात है, और वैसे भी आप आसानी से कह सकते हो यार कि टाइम जैसे जैसे इंक्रीज करेगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट तो डिक्रीज ही करेगा ना, तो डिक्रीज करेगा तो बहुत ऑब्वियस था, बस हमें कंफ्यूजन दो बात की थी, पहला ये कि स्ट्रेट लाइन में करेगा कर्वेचर में, तो स्ट्रेट लाइन से हमारे प्रूव होता है, ये स्ट्रेट लाइन से कंपेयर करने पे आसान है, आपने at इज इक्वल टू क्या लिखा a नॉट माइनस k t, आप at इज इक्वल टू लिख सकते हो है ना माइनस k इनटू t प्लस a नॉट, माइनस k इनटू t प्लस a नॉट, ठीक है, अब अगर यहां से कंपेयर करो तो y इज इक्वल टू m x प्लस c, तो at पे आपका y, y एक्सिस पे आपका at, x एक्सिस पे आपका t, m से आप कंपेयर करोगे माइनस k, और इंटरसेप्ट आपका a नॉट, इंटरसेप्ट आपका है a नॉट, ठीक है, तो अगर आप इसकी और इसकी वैल्यू चाहते हो तो ये भी बताना बहुत आसान है, देखो अगर यहां पे आप देखो
इस पोजीशन पे, यहां पे आपकी एटी की वैल्यू क्या होगी, एटी इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी होता है वो, तो यहां पे क्या है, यहां पर टी इक्वल टू जीरो, यहां पे अगर आप देखो टी इक्वल टू जीरो, इस पॉइंट पे आपका टी इक्वल टू क्या है, जीरो है, तो ए टी इक्वल टू जीरो, एटी इक्वल टू क्या, एटी इक्वल टू ए नॉट, क्योंकि ये वाला टर्म तो आपका टी इक्वल टू जीरो पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा राइट, तो एटी इक्वल टू टी ए नॉट। और वैसे भी यार टाइम टी इक्वल टू जीरो पे कंसेंट्रेशन की वैल्यू तो इनिशियल कंसेंट्रेशन हो जाएगी ना, टी इज इक्वल टू जीरो मतलब क्या, टी इक्वल टू जीरो मतलब इनिशियल टाइम, इनिशियल टाइम मतलब इनिशियल कंसेंट्रेशन, ए टी इज इक्वल टू जीरो ए नॉट, इनिशियल टाइम पे कंसेंट्रेशन होगा आपका ए नॉट। अब यहां पर टाइम क्या होगा इसकी वैल्यू बताना, यहां पर कंसेंट्रेशन क्या हो रहा है आपको, यहां पर कंसेंट्रेशन आपका जीरो हो रहा है ना, ए टी की वैल्यू क्या है जीरो, तो आपको पता है इस पॉइंट पे ए टी इज इक्वल टू क्या है, ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, इस पॉइंट पे आपका ए टी जीरो, तो आप देख लो जीरो इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, टी इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, टी इज इक्वल टू आ जाएगा आपका, यहां से आप उधर ले जाओ ए नॉट माइनस के टी, यहां से आपका आएगा माइनस ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी, टी इज इक्वल टू आ जाएगा ए नॉट बाई के, क्या जाएगा ए नॉट बाई के, ठीक है, आपकी यहां वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पर वैल्यू होगी आपकी ए नॉट बाई के। और वैसे भी ये टाइम आपको किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टाइम आपको रिप्रेजेंट कर रहा है रिएक्शन की कंप्लीशन को, रिएक्शन कहां कंप्लीट हो रही है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो रिएक्शन जब 100% कंप्लीट होती है उसे क्या कहते हैं, टी 100% कहते हैं, दैट इज इक्वल टू ए नॉट बाई के, टी 100% की वैल्यू क्या होती है ए नॉट बाई के, जहां पर रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, जहां पर रिएक्शन आपका 100% कंप्लीट हो रहा है ना, टी 100% इज इक्वल टू क्या, टी 100% इज इक्वल टू जहां पर रिएक्शन क्या हो रहा है आपका 100% पूरा हो रहा है, जहां पर रिएक्शन आपका क्या हो रहा है 100% पूरा और पूरी तरह से न्यूरल वाला टाइम क्या है ए नॉट बाई के, तो यहां पर देखो आपका टाइम है ए नॉट बाई के और यहां पर आपका ए नॉट राइट, तो आप इसको देख लो है ना विद टाइम डिक्रीज कर रहा है, ये आप दोनों प्लॉट करो फिर हम आगे बढ़ेंगे, और प्लॉट है हमारे पास ठीक है, आप इसको नोट करो फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब अगला प्लॉट है हमारा, ये कम इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी ये वाला था, ये आपका इंपॉर्टेंट ग्राफ था जो अभी यहां प्लॉट किया था ना, 80 वर्सेस टाइम, उसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, 80 वर्सेस टाइम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, आपको प्लॉट देकर भी आपसे पूछ सकता है कि ऑर्डर क्या होगा, रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, अच्छे से ध्यान रखिए, 80 वर्सेस टी का जो ग्राफ था वो इंपॉर्टेंट था, 80 वर्सेस टी का जो ग्राफ था, 80 वर्सेस टी क्या था आपका, आपका था कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम टी और विद टी, या तो ग्राफ क्या था इंपॉर्टेंट था, इसको ध्यान रखेंगे ठीक है, और भी ग्राफ इंपॉर्टेंट है ठीक है। अगला आपका बीटी वर्सेस टी, बीटी क्या आपका, बीटी आपका कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्ट प्रोडक्ट, कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो बीटी आपने क्या लिखा अभी तक, बीटी इक्वल टू आपने लिखा है, बीटी इक्वल टू लिखा है आपने केटी, बीटी इक्वल टू केटी, That is simple linear equation with slope, है ना? With slope k. तो आपका सिंपल आपका आएगा कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा आपका बीटी बढ़ेगा, वैसे भी आपका टाइम के साथ क्या हो रहा है, प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है ना, टाइम के साथ प्रोडक्ट की रिएक्शन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा आपका, ये तो आपका कॉन्स्टेंट है, ये क्या आपका स्लोप है, इतनी स्ट्रेट लाइन आपको आनी चाहिए यार, अगर आप इसको कंपेयर करो, चलो कर ही लेते हैं यार, है ना, कुछ छोड़ने का मन नहीं करता, तो अगर आप देखो बीटी इज इक्वल टू, देखो बीटी इज इक्वल टू के टी प्लस जीरो लिख सकते हो इसको, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ठीक है। अगर आप यहां से देखो तो इंटरसेप्ट क्या है, जीरो, इंटरसेप्ट जीरो है, सी की वैल्यू जीरो, देखो जीरो से स्टार्ट किया हमने लाइन, अगर आप यहां से कंपेयर करो देखो वाई एक्सिस पे क्या आपका बीटी है और एक्स एक्सिस पे आपका क्या है टी, और स्लोप की वैल्यू क्या है, एम की वैल्यू आपकी के, एम की वैल्यू क्या है के, तो स्लोप की वैल्यू हो गई यहां से के, स्लोप आ गया के, पॉजिटिव स्लोप है, और सीधी सी बात है जैसे जैसे आपका टाइम इंक्रीज करेगा रिएक्टेंट का
है ना, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन तो इंक्रीज करेगा ही करेगा, राइट। नेक्स्ट जो हमारा प्लॉट है उसको देखेंगे। नेक्स्ट हमारा प्लॉट है टी हाफ वर्सेज इनिशियल कंसंट्रेशन, टी हाफ वर्सेज इनिशियल कंसंट्रेशन। आपको अच्छे से मालूम है कि टी हाफ जो है उसकी वैल्यू किसके ऊपर होती है, ए नॉट बाई टू के की होती है, ठीक है। अगर आप यहां से फिर से कंपेयर करो तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो टी हाफ इज इक्वल टू वन बाई टू के इंटू ए नॉट प्लस जीरो, ऐसा लिख सकते हो। अगर आप इसको देखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यहां से देखो y एक्सिस पे क्या आपका टी हाफ है ना, x एक्सिस के आपका क्या है ए नॉट है और c पे आपका क्या है जीरो, और अगर इसका इंटरसेप्ट जीरो तो लाइन आपकी जीरो से स्टार्ट होगी है ना, और पॉजिटिव स्लोप है आपका आगे बढ़ेगा, और स्लोप क्या आ जाएगा इसका वन बाई टू क्या आ जाएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ग्राफ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या वन बाई टू के। और वैसे भी समझ लो यार कि अगर आप इनिशियल कंसेंट्रेशन बढ़ा रहे हो, अगर आप इनिशियल कंसेंट्रेशन बढ़ाओगे तो इवेंचुअली टी आप तो आपका इंक्रीज करेगा, ठीक है। इसमें अलग से प्लॉट करने की जरूरत नहीं थी, अगर आप ए नॉट को बढ़ाओगे तो आपका टी आप भी इंक्रीज करेगा, और अगर आप ए नॉट को जीरो रख लो तो टी आप भी जीरो हो जाएगा, है ना। इफ ए नॉट इज जीरो, इफ ए नॉट इज जीरो, टी आप भी आपका क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो यार मैथमेटिक्स आगे और बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी, है ना, बेहतर मैथमेटिकल चैप्टर है। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि यार अच्छे से आप देखो, मैं आपको कॉन्सेप्ट में आपकी पूरी मदद करूंगा, लेकिन बेसिक मैथमेटिक्स आप अपने तरफ से भी रखिए। इनकेस कोई ऐसा बच्चा है, इनकेस कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको ये सारा स्लोप कैसे निकलता है, इंटरसेप्ट क्या होता है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, घबराने की बात नहीं, बिल्कुल शर्माने की बात नहीं। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, आप मुझे पर्सनल मैसेज कर लेना, ठीक है। आप मुझे बता देना कि सर ये मुझे नहीं आता, मैं आपकी मदद करूंगा, मैं आपको और अलग से बता दूंगा थोड़ी थ्योरी, क्योंकि अगर इसमें ज्यादा डिटेल में घुसेंगे तो है ना बहुत सारे बच्चों का टाइम बर्बाद होगा, क्योंकि ये सारी चीजें बिल्कुल बेसिक पोर्शन है, ये आपने फिजिक्स में ना लगातार सारे चैप्टर में पढ़ते आ रहे हो, है ना, बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन में भी इसको पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये काफी आसान, आप इसको नोट करें। अब देखेंगे कुछ एग्जांपल्स आपके जीरो ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल्स। एग्जांपल्स आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन याद करना जरूरी नहीं है, लेकिन जो एग्जांपल आपको लिखवा रहा हूं उसको थोड़ा बहुत ध्यान रखना। सारे आप एग्जांपल वैसे भी याद नहीं रख सकते, लेकिन जो लिखवा रहा हूं उसको आप ध्यान रखना। एग्जांपल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एग्जांपल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल्स देख रहे हैं आपको, आपने एक तो पढ़ा ही था कौन सा वाला, एच टू प्लस सी एल टू, वो है ना फोटोकेमिकल इक्वेशन है, एच न्यू के प्रेजेंस में आपका क्या बनाता है टू एच सी एल बनाता है। इसका हमने पढ़ा था कि इसका रेट किसके इक्वल होता है, रेट इज इक्वल टू होता है के एच टू को भी पावर जीरो और सी एल टू को भी पावर जीरो, तो ओवरऑल रेट क्या है इसकी जीरो ही है, रेट इसकी क्या है जीरो है। या आपका फोटोकेमिकल इक्वेशन भी कहते हैं, फोटोकेमिकल इक्वेशन, फोटोकेमिकल इक्वेशन। और एक रिएक्शन आपको रटना जरूरी नहीं, थोड़ा वो ध्यान रखें केवल, अगर गैसेस डीकंपोज करें, गैसेस डीकंपोज करने का मतलब क्या हुआ, टूटना उसका अपने फर्दर छोटे गैसेज में, दो गैसेज है आपका एन एस थ्री है गैस, यस टू एन एस थ्री ले लो, यहां पे गिव्स आपका एन टू प्लस थ्री एच टू, गैस ये भी गैस ये भी, या फिर आप कह सकते हो एन टू टू एन टू गिव्स टू एन टू प्लस ओ टू, ये भी आपका गैसियस है, ये भी आपका गैसियस है, ये भी आपका गैसियस है, दोनों आपका प्लेटिनम मेटल पे, प्लेटिनम मेटल पे, ठीक है। तो ये दोनों भी एग्जांपल आपके किसके हैं, जीरो ऑर्डर के ही हैं, है ना। इसको आप रिवर्स हैबर प्रोसेस भी कहते हो, हैबर प्रोसेस क्या होता है, हैबर प्रोसेस होता है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया होता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके आपका अमोनिया गैस बनाता है। आप जब पी ब्लॉक पढ़ोगे तो वहां हैबर प्रोसेस के लिए आप कंडीशन भी देखोगे कि कौन सी कंडीशन, केमिकल इक्विलिब्रियम में भी हम पढ़ते हैं कि कौन सी हमारी कंडीशन हैबर प्रोसेस को सपोर्ट करती है, है ना, किस प्रेशर किस टेम्परेचर पे हमारा हैबर प्रोसेस अच्छे से होगा, इसको हम केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं। फिर से आप एक बार पी ब्लॉक में भी पढ़ोगे इसको, है ना, पी ब्लॉक में पढ़ोगे इनऑर्गेनिक की, तो वहां पे आपको सारे प्रोसेस की अमोनिया कैसे बनता है, H2SO4 कैसे बनता है, ये सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी, और वहां पे हैबर प्रोसेस की कंडीशन क्या है, ऑप्टिमम कंडीशन की कब आपको हैबर प्रोसेस बनाना है, तो वो आपको बताया जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जब जहां तक अगर आप पी ब्लॉक की बात करो तो बहुत इंपॉर्टेंट हैबर प्रोसेस। इसको आप कहते हो रिवर्स हैबर प्रोसेस, क्या कहते हो आप इसको, रिवर्स हैबर प्रोसेस,
रिवर्स हैवर्स प्रोसेस। आपको ओवरऑल ये दोनों रिएक्शन क्या है, अगर आप इस रिएक्शन को करते हैं रिवर्स हैवर्स प्रोसेस, अगर आप इन दोनों रिएक्शन को देखो तो दोनों रिएक्शन में ऐसा हो रहा है कि गैसेस डिकम्पोज कर रही है ओवर मेटल सरफेस, मेटल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में आपकी क्या कर रही है गैसेज डिकम्पोज कर रही है। तो आप इसको ऐसे ले सकते हो जनरलाइज करके कि दिस इज डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन ऑफ गैसेस ओवर मेटल सरफेस, ओवर मेटल सरफेस। आपकी एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन भी, बहुत सारी एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन भी जीरो ऑर्डर होती है, बट उतना आपको याद नहीं करना। जो आपकी एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन होती है ना, एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन, एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन, वो सारी भी जीरो ऑर्डर होती है, बट उतना अपने को ध्यान नहीं रखना, उतना अपने को नहीं पढ़ना, ठीक है। अब चलो हम करेंगे इस पे प्रॉब्लम जीरो ऑर्डर पे। आप घबराइए मत, इतने सारे मैथमेटिकल टर्म को हम बिल्कुल हलवा बना देंगे, बिल्कुल जीरो कर देंगे, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि एक जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, एक रिएक्शन आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, आपको दिया हुआ है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन दिया हुआ जिसके लिए आपको ए नॉट की वैल्यू दी हुई है, इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दिया हुआ, इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दिया हुआ, कितना दिया हुआ आपको, इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दिया हुआ आपको 1 मोलर दिया हुआ, कितना दिया हुआ 1 मोलर दिया, 1 मोल पर लीटर दिया हुआ, टी हाफ आपको दिया हुआ, टी हाफ आपको दिया हुआ है, सपोज टी हाफ आप ले लीजिए 25 मिनट ले लीजिए, कितना ले लिया 25 में 50 मिनट ले लेते हैं, टी हाफ 50 मिनट कर लेते हैं, ठीक है। आपको ये दिया हुआ, ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि हाउ मच टाइम, आपको जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है जिसका इनिशियल कंसेंट्रेशन 1 मोलर और टी 50 दिया, इतना ये था ना, इतना तो बोल रहा हाउ मच टाइम, हाउ मच टाइम दिस रिएक्शन विल टेक, दिस रिएक्शन विल टेक टू चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फ्रॉम 1 मोलर टू 0.9 मोलर। क्वेश्चन क्लियर है बिल्कुल, है ना, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि भाई अपर टी हाफ दिया हुआ है, ए नॉट की वैल्यू दी है, बोल रहा कितना टाइम लगेगा आपका 1 मोलर से रिएक्शन को, है ना, 1 मोलर रिएक्टेंट के कंसेंट्रेशन आपका इनिशियल था, वहां से 0.9 मोलर होने में कितना टाइम लग जाएगा। तो चलिए देखते हैं, आपको टी हाफ की वैल्यू दी हुई है, टी हाफ की वैल्यू कितनी है आपकी 50 मिनट, ठीक है, और आपको ए नॉट की वैल्यू दी हुई है 1 मोलर, ठीक है, एटी की वैल्यू आफ्टर टाइम टी, आपसे पूछ रहा कितने टाइम में आपका ये 0.9 मोलर हो जाएगा 1 मोलर से, एटी की वैल्यू आफ्टर टाइम टी 0.9 मोलर हो जाएगा, आपको टी की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो ध्यान देंगे टी हाफ की वैल्यू क्या होती है, टी हाफ तो अब देखिए एटी इक्वल टू क्या होता है, एटी इक्वल टू होता है ए नॉट माइनस के टी, ए नॉट की वैल्यू आपको पता है, ए नॉट की वैल्यू आपको पता है ना, टी की वैल्यू आपसे पूछ रहा है कितने टाइम बाद ऐसा हो जाएगा, और के की वैल्यू आपको चाहिए, तो टी हाफ में पुट करो इसे, टी हाफ में इसको पुट किया तो आया गया टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बाई टू के, ए नॉट बाई टू के इज इक्वल टू टी हाफ, ठीक है, ए नॉट की वैल्यू आपको पता है, ए नॉट की वैल्यू आपकी 1 मोलर है, तो आएगी आपकी, आप उधर से के को उधर ले जाए, के इक्वल टू आएगा ए नॉट बाई टू टी हाफ, इतना आएगा के की वैल्यू आ जाएगा, ए नॉट कितना आपका 1 मोलर है, 2 इंटू टी हाफ आपका 100 है, 1/100 पर मिनट आएगा के का, 1/100 मोलर, मोल पर मिनट, 1/100 मोल पर लीटर पर मिनट आ रहा है, के की वैल्यू आ रही है, ए नॉट की आपकी, ए नॉट की यूनिट क्या होगी, ए नॉट की यूनिट है आपकी मोल पर लीटर, मोलर, और टी ऑफ की वैल्यू आपकी मिनट, तो के की वैल्यू आ जाएगी, के की वैल्यू अगर आप सही से पुट कर देखो यहां पे, के की वैल्यू आएगी आपकी ए नॉट की वैल्यू 1 और 2 इंटू टी ऑफ की वैल्यू 50, टी ऑफ की वैल्यू कितनी है 50, है ना, 1 मोल पर लीटर, 1 मोल पर लीटर, और यहां पे आपका मिनट, तो ओवरऑल आ जाएगा आपका 1/100 मोल पर लीटर पर मिनट आ जाएगा। K की वैल्यू कितनी आ गई, तो आपको पता है AT इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, आपसे टी पूछ रहा है तो क्या होगा, देखो इधर ले आप इसको, AT प्लस के टी इज इक्वल टू ए नॉट, यहां से आएगा आपका KT इज इक्वल टू ए नॉट माइनस AT अपॉन
ए नॉट माइनस 80 ऐसा आ जाएगा, और टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए नॉट माइनस 80 अपॉन के, है ना, इतना आ जाएगा। यहां से आप टी की वैल्यू निकालोगे, यहां से आप टी की वैल्यू निकालोगे कितना आएगा, टी की वैल्यू अगर आप निकाल लो, टी इज इक्वल टू आएगा ए नॉट कितना है, ए नॉट की वैल्यू 1, ए टी की वैल्यू 0.9 यहां पर पुट किया, अपॉन के की वैल्यू है 1/100, क्या आपका के की वैल्यू है 1/100, तो ओवरऑल आएगा क्या, टी इज इक्वल टू आएगा या क्या 0.1 अपॉन 1/100, 100 ऊपर चला जाएगा, टी इज इक्वल टू आएगा आपका 0.1 × 100, टी इज इक्वल टू आएगा आपका 10 मिनट, मिनट में दिया आपको ये, ठीक है, मिनट है ये, मिनट यूनिवर्स, तो आएगा आपका 10 मिनट ऐसा आएगा, ठीक है। तो 10 मिनट लगेगा इसको ऐसा होने में। ये तो हो गई बात, आप फॉर्मूले का यूज करके ऐसे सवाल कर सकते हो। हमको सिंपल पूछा था कि 1 मोलर से 0.9 मोलर होने में कितना टाइम लगेगा, 80 की वैल्यू दी थी, ए नॉट की वैल्यू दी थी, 80 − 80 = ए नॉट − KT, टी की वैल्यू पूछ रही थी, टाइम की वैल्यू पूछ रही थी, के की वैल्यू चाहिए थी, हमने टी हाफ में है ना वैल्यू पुट की, हमको के की वैल्यू मिली और हमने फाइनली ऐसा निकाल लिया, है ना। अब मैं आपको बताने वाला हूं पीएस टेक्निक, आपको किसी भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन में कभी भी फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा, इतना तामझाम नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल सिंपली आप जीरो ऑर्डर के कोई भी रिएक्शन विद इन सेकंड कर सकते हो, गारंटी। चलिए तो उसको आप नोट कर लियो, फिर आगे देखते हैं। हम इसी क्वेश्चन को करेंगे पीएस टेक्निक से कि कैसे कर सकते हो, क्योंकि भाई मुझे भी ये फॉर्मूले याद नहीं रहते कि कैसे कहां पे क्या है ना, है कठिन कुछ भी नहीं इसमें, लेकिन देखिए देखिएगा, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहा हूं मैं आपको, है ना, लिखिए पीएस टेक्निक करके लिखिए, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में अगर आपको ये याद रह गया तो आपको कुछ और याद रहना रहे काम आपका चल जाएगा, ठीक है, बस इतना याद रखना आप, ये जो आपकी टेक्निक है वो याद रखना, ठीक है, बकायदा इसको याद रखना, है ना, लिखो, ठीक है, इसमें ध्यान देना कि मैं क्या बता रहा हूं कि जिन ये केवल जीरो ऑर्डर के लिए, फॉर जीरो ऑर्डर, ये मत भूल जाना यार, ये अगर भूल गए कि कौन सा किस ऑर्डर के लिए था तो पंगा आएगा, मैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी एक पीएस टेक्निक बताऊंगा आपको, ठीक है, तो अपने उसमें इसको लगा था तो उसमें मेरी गलती तो नहीं है, ये जीरो ऑर्डर के लिए, इसमें ध्यान आपको ये रखना है कि जैसे मान लो आपने 100 मोलर ले लिया, ठीक है, जैसे मान लो हमें कुछ भी एग्जाम्पल ले रहा, कितना कम करो इसमें से, जो आप बोलो वही करूंगा, चलो 10 मोलर कम कर देते, जैसे मान लो आपका 5 मिनट में, सपोज 5 मिनट में इसका 10 मोलर खत्म हुआ तो ये कितना हो जाएगा, 90 मोलर खत्म हो गया। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए खास बात क्या है कि इक्वल कंसंट्रेशन इज कंज्यूम्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर वो क्वेश्चन कितना इजी हो जाएगा आपसे, इससे किसी भी क्वेश्चन में फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा, और जो आपकी इच्छा है आप चाहो तो फॉर्मूले से कर सकते हो, है ना, क्योंकि फॉर्मूला हमने अच्छे से डिराइव कर लिया, एक क्वेश्चन भी बाकायदा हमने फॉर्मूले पे किया हुआ है, राइट। तो अगर 5 मिनट इसको लगा है तो, और यहां पर कितना डिक्रीज आया, 10 मोलर का डिक्रीज आया, डिक्रीज कितने का है, 10 मोलर आया, तो अगले 5 मिनट में भी 10 मोलर का डिक्रीज आएगा, ये जीरो ऑर्डर के लिए सिर्फ, केवल ये ध्यान रखेंगे, अगले 5 मिनट में भी कितना आएगा, 10 मोलर, ये सभी के लिए नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर में पूरी तरह से चेंज हो जाएगा, सिनेरियो, है ना, यहां 10 मोलर डिक्रीज होगा, अगले 5 मिनट में कितना होगा आपका, 80 मोलर होगा, फिर आपका 5 मिनट घटेगा, 5 मिनट आपका लगेगा, ठीक है, यहां भी 10 मोलर घटेगा, 70 हो जाएगा, ऐसे 5-5 मिनट करके, है ना, अगर आप टोटल और अगर 5 मिनट कम करोगे, ठीक है, और आप 5 मिनट कम करोगे तो आपका 60 पे चला जाएगा, 60 मोलर हो जाएगा, 10 मोलर और कम होगा, इस तरीके से घटता है, राइट, इस तरीके से घटता है। तो आते हैं पिछले वाले क्वेश्चन में, पिछले वाले क्वेश्चन पे आते हैं, आपको दिया था टी आफ की वैल्यू, टी आफ को दिया वैल्यू दिया हुआ था कितना, 50 मिनट दिया हुआ था, ठीक है, यानी कि रिएक्टेंट को आधा घटाने में आपको ए नॉट की वैल्यू कितनी दी हुई थी, ए नॉट की वैल्यू दी हुई थी आपको 1 मोलर दी हुई थी, क्या हुई थी, 1 मोलर दी हुई थी, तो 1 मोलर से
है ना, क्या कह रहा क्वेश्चन में आपसे, क्या कह रहा, ट्रिक लगाएंगे, डायरेक्ट ट्रिक लगाएंगे कि 1 मोलर से 0.5 मोलर अगर आप चाह रहे हो कि मोल पर लीटर, 1 मोल पर लीटर से अगर आप चाह रहे हो 0.5 मोल पर लीटर पे चला जाए, ये जितना रिएक्टेंट था, ये जितना रिएक्टेंट हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन था उसका आधा किया हमने, उसका आधा किया यहां पे, उसका हाफ करने में जो टाइम लगा वो 50 मिनट लगेगा, जो टाइम लगा वो 50 मिनट लगेगा ना, उसका आधा करने में टाइम कितना लगा, 50 मिनट लगा। पूरा कंज्यूम करने में कितना टाइम लगेगा, पूरा कंज्यूम करने में इसको टाइम लगेगा आपका, इसको जीरो मोलर किया और 50 मिनट लगेगा आपका। अरे सीधी सी बात है ना यार, कि अगर 1 से 0.5 में 50 मिनट लगा, 1 से 0.5 में 50 मिनट लगा है, 1 से 0.5 में 50 मिनट लगा है, तो 0.5 से 0 में यहां पे देखो 0.5 मोलर का डिफरेंस किया आपने, तो 0.5 मोलर का डिफरेंस में भी आपको 50 मिनट लगेगा, तो टोटल टाइम आपको कितना लग रहा है, टोटल आपको 100 मिनट लग रहा है, टोटल रिएक्शन करवाने में 100 मिनट लग रहा है, 1 से 0 पहुंचाने में, 1 से 0 पहुंचाने में आपको 100 मिनट लग रहा है ना, तो 1 से 0.9 पहुंचाने में, है ना, 1 से 0.9 पहुंचाने में कितना टाइम लगेगा, केवल 10 मिनट लगेगा, केवल कितना लगेगा, 10 मिनट लगेगा। अरे सीधी सी बात है ना, सीधी सी बात है ना, कि अगर आपको 1 से 0 में जाना, टोटल 100% में 100 मिनट लगा, तो 1 से 0.9 में कितना लगेगा आपको, 10 मिनट ही लगेगा, है या नहीं। या आप इसको रिवर्स भी सोच सकते हो कि आपका क्या है, 1 से देखो, 1 से आपका क्या है, 0.9 आ रहा है, 10 मिनट लगा, 0.9 से 0.8 जा रहा, फिर 10 मिनट लगा, 0.8 से फिर 0.7 जा रहा, फिर आपको 10 मिनट लगा, 0.7 से 0.6 जा रहा, फिर आपको 10 मिनट लगा, और 0.6 से 0.5 जा रहा, फिर आपको 10 मिनट लगा। तो देखो 1 से 0.5 पहुंचने में, 1 से 0.5 पहुंचने में हाफ लाइफ टाइम कितनी दी हुई थी, 50 मिनट दी हुई थी, कितनी दी हुई थी, 50 मिनट दी हुई थी, देख लो 10 10 10 10 10 50 मिनट ली, तो आपका 1 से 0.9 आने में कितना लगेगा, 10 मिनट लगेगा। आप चाहते तो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे कि टी आप आपको 50 मिनट दिया हुआ, यानी 50% घटने में 50 मिनट घटने में आप ऐसे कर सकते थे कि 50% डिक्रीज के लिए 50 मिनट, तो 1% डिक्रीज के लिए कितना, 1 मिनट, और डिक्रीज आपसे पूछा कितना था, आपसे 1 से 0.9 पूछा है, 1 से 0.9 में क्या था आपका, 10% डिक्रीज था, तो 10% डिक्रीज के लिए 10 मिनट। अभी आपको थोड़ा टाइम टेकिंग लग रहा होगा, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है, अभी हम इससे आगे क्वेश्चंस करेंगे, आपको लगेगा कितना आसानी से हो गया। अब इसको सही से नोट कर लीजिए, एक बार अपने लैंग्वेज में बढ़िया से बना के इसको नोट करिए, ठीक है, बाकायदे इसको नोट करिए कायदे से। चलिए अब अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है A0 की वैल्यू, इनिशियल कंसंट्रेशन 10 मोलर दिया हुआ है। आप लैंग्वेज लिखिए अच्छा रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन आपको लैंग्वेज के फॉर्म में मिलेगा। इनिशियल कंसंट्रेशन आपको रिएक्टेंट का दिया है, कितना दिया है, इनिशियल कंसंट्रेशन आप रिएक्टेंट दिया हुआ है आपको, इनिशियल कंसंट्रेशन आप रिएक्टेंट दिया हुआ है 10 मोलर दिया हुआ, ठीक है। आपसे कह रहा है, आपसे कह रहा है कि आपका 10 मोलर से 8 मोलर आने में, 10 मोलर से 8 मोलर आने में 10 मिनट लग रहे हैं, है ना। क्वेश्चन आप लिख ही लीजिए, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, स्टार्टिंग से लिखिए, इन ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, 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 इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 10 मोलर एंड इट टेक्स 10 मिनट्स, it takes 10 minutes for the concentration to become 8 molar, 8 molar होने के लिए इसमें कितना लग रहा है, 10 मिनट लग रहा है, 10 मिनट लग रहा है 8 molar होने के लिए। तो आपसे पूछ रहा है टी हाफ कितना होगा, और आपसे पूछ रहा है टी 100% कितना होगा, यानी हाफ लाइफ टाइम और टी 100% आपसे पूछ रहा है इस रिएक्शन की, है ना। तो काफी आसान है, देखिए काफी आसान है, आपसे कह रहा है
10 मोलर से 8 मोलर होने में, यानी कि 2 मोलर घटने में, लेकिन ऐसे भी आसान है, 10 मोलर से 8 मोलर हो रहा था 10 मिनट में, यानी कि 10 से 8 हुआ, 20% का डिक्रीज आया 10 मिनट में, तो 10 से 9 आपका कितने में होगा, है ना? 2 मोलर का डिक्रीज हुआ 10 मिनट में, 1 मोलर का डिक्रीज कितने में होगा, 1 मोलर का होगा आपका, 1 मोलर का डिक्रीज होगा 5 मिनट में, 5 मिनट में कितने का डिक्रीज होगा, 1 मोलर का, 1 मोलर का डिक्रीज होगा, हो जाएगा 9 मोलर, 9 से 8 में आपका और 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट लगेगा इसमें, 8 से 7 में और 5 मिनट लगेगा, 7 से 6 में और 5 मिनट लगेगा, और 6 से 5 में और 5 मिनट लगेगा, 6 से 5 में आपको और 5 मिनट लगेगा, देखिए टोटल कितना टाइम लगा, 10 से आपको 5 में 5 2 है ना, 5 10 15 है 25, तो 25 लगा आपको, तो टी हाफ की वैल्यू क्या हो गई, टी हाफ की वैल्यू हो गई आपकी 25 मिनट, टी हाफ की वैल्यू हो गई 25 मिनट। अच्छा एक और तरीका था इसको करने की, है ना, अगर टी आप आपका 25 मिनट है तो टी 100% तो सीधा इसका डबल होता है, हो जाएगा 50 मिनट टी, है ना, ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है ए नॉट बाई टू के, और ये होता है आपका ए नॉट बाई के। एक और तरीका था करने का, आपने बताया भाई 10 मिनट लगा इसको पॉइंट ए जाने में, तो अगला 10 मिनट लगेगा इसको 6 जाने में, और 10 मिनट लगेगा इसको 4 जाने में, और 10 मिनट लगेगा इसको 2 जाने में, और 10 मिनट लगेगा इसको 0 जाने में, तो टोटल देखो 10, 20, 30, 40, 50 मिनट लगेगा टोटल कंप्लीट होने में, तो 25 मिनट लगेंगे हाफ कंप्लीट होने में, इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। और ये चित्र अभी लिख के बता रहा हूं, ये आपके दिमाग में भी होना चाहिए, ये आपके बिल्कुल दिमाग में होना चाहिए, बिल्कुल दिमाग में कैलकुलेशन होना चाहिए। और आप इसको फॉर्मूले से भी करके देखो, है ना, आपको एटी की वैल्यू दी हुई है, आपको एटी की वैल्यू दी हुई है, आपको ए नॉट की वैल्यू दी हुई है ना, आपसे टी हाफ और टी 100% पूछ रहे हैं, आप करके देखो आपसे हो जाएगा, ठीक है। आप इनका यूज करके के की वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है, कितना टाइम लगेगा, आपको टी की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, तो ए नॉट एटी इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी का यूज करके यहां से के निकल जाएगा, और के निकल जाएगा तो टी हाफ और टी 100% भी निकल जाएगा। आप अपने माइंड में कैलकुलेशन करोगे तो इससे फास्ट होगा और बहुत तेजी से हो जाएगा ये सवाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, ए रिएक्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, ए रिएक्शन इज गेटिंग कंप्लीटेड, ए रिएक्शन इज गेटिंग कंप्लीटेड, ए रिएक्शन इज गेटिंग कंप्लीटेड 20% इन 20 मिनट, ए रिएक्शन इज गेटिंग कंप्लीटेड, ए रिएक्शन इज गेटिंग कंप्लीटेड 20% इन 20 मिनट, ए रिएक्शन इज गेटिंग कंप्लीटेड 20% इन 20 मिनट, ए रिएक्शन इज गेटिंग कंप्लीटेड 20% इन 20 मिनट एंड 40% इन 40 मिनट्स एंड 40% इन 40 मिनट्स, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सिंपल आपसे क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा है कि 20% कंप्लीट होने में लग रहा है टाइम आपको 20 मिनट, और 40% कंप्लीट होने में आपको टाइम लग रहा है 40 मिनट। कहने का क्या मतलब है कि पहला 20% आपका कितने टाइम में हुआ, जो पहला 20% कंप्लीशन है उसमें आपको टाइम लगा 20 मिनट, और जो अगला 20% कंप्लीशन है टोटल 40%, टोटल 40% में आपको लगा 40 मिनट, यानी कि नेक्स्ट जो देखो पहला 20% कंप्लीट होने में 20 मिनट, है ना, ओवरऑल आपको 40% कंप्लीट होने में 40 मिनट, यानी कि नेक्स्ट 20% में भी तो 20 मिनट लगा होगा। ये कैरेक्टरिस्टिक किसका है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ही है, हेंस इट इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो आपका आंसर क्या होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्या हो जाएगा आपका, इसको आप नोट करिए, आपका हो जाएगा ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन, सीधी सी बात है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब एक क्वेश्चन करते हैं जो आपका एआई ट्रिपली 2010 में आया था, अच्छा क्वेश्चन है, एआई ट्रिपली 2010 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, आप ध्यान दीजिएगा बस, आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि एक जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है,
क्वेश्चन में क्या रहा था आपका, एक जीरो ऑर्डर की रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, सी नॉट की वैल्यू यानी ए नॉट की वैल्यू दी हुई थी आपको, ए नॉट की वैल्यू दी हुई थी, थोड़ा बहुत आपको तो है ना नोटेशन में चेंज मिल सकता है, यहां कहिएगा सी नॉट भी मिल सकता है, ठीक है उससे कोई दिक्कत की बात नहीं। इसकी आपने टू मोलर दी रखी थी और टी हाफ की वैल्यू दे रखी थी, टी हाफ की वैल्यू दी रखी थी वन आवर। पूछा था ध्यान देंगे, पूछा था हाउ मच टाइम इट विल टेक, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू चेंज इन कंसेंट्रेशन, चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ऑफ रिएक्टेंट फ्रॉम 0.5 मोलर टू 0.25 मोलर। पीएच टेक्निक से करें, फॉर्मूले से तो आप आराम से कर सकते हैं, किसी को अगर फॉर्मूला लगाने में किसी तरह की दिक्कत है तो मुझसे बात करेगा। देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कह रहा है आपका इनिशियल कंसेंट्रेशन है 2 मोलर, टी हाफ की वैल्यू आपको दी है, तो क्या कह रहा है टी हाफ की वैल्यू दी रखी है 1 आवर की, 1 घंटे। टी हाफ का मतलब क्या होता है, टी हाफ का मतलब होता है आपका कि आपका कंसेंट्रेशन आधा हो जाना, तो 2 मोलर से 1 मोलर होने में आपको कितना लग रहा है, 1 घंटे लग रहा है, कितना लग रहा है आपको, 2 मोलर से 1 मोलर होने में आपको 1 घंटा लग रहा है ना, 2 मोलर से है ना, 2 मोल पर लीटर, 2 मोल पर लीटर से 1 मोल, 1 मोल पर लीटर में, 2 मोल पर लीटर से 1 मोल पर लीटर होने में आपको लग रहा है 1 घंटा, यानी कि 1 मोल पर लीटर का चेंज आया है इसमें, 1 मोल पर लीटर के चेंज में आपको आया है। यहां पे चेंज कितने का है, यहां पे चेंज है आपका कितने का, 1 मोल पर लीटर के चेंज में, 1 मोल पर लीटर, 2 से 1 मोल, 1 मोल पर लीटर तो चेंज हुआ, 1 पर मोल, 1 मोल पर लीटर के चेंज के लिए चाहिए आपको 1 घंटा, इसने चेंज के लिए चाहिए आपको 1 आवर। यहां पे चेंज कितना है, यहां पे चेंज आपका है 0.5 से आपका कितने में चेंज हो रहा है आपका 0.25 में, यानी चेंज कितने का है 1/4 मोल का है, कितने का है आपका 1/4 मोल का है, 1/4 मोल पर लीटर का है ना, 0.5 से 0.25 में जा रहा है, 0.5 से किस में जा रहा है आपका, 0.5 से आपका 0.25 में जा रहा है, 0.5 से 0.25 में जा रहा है, यानी चेंज कितने का हो रहा है 1/4 मोलर का हो रहा है, चेंज कितने का हो रहा है आपका 1/4 मोलर का हो रहा है, 1/4 मोलर का हो रहा है। अब 1 मोलर में चेंज के लिए कितना चाहिए, 1 आवर चाहिए, टी आवर कितना दिया आपको 1 आवर चाहिए है ना, 2 मोलर से 1 मोलर होने में आपको 1 घंटा लगेगा, 1 मोल पर लीटर के चेंज के लिए आपको 1 आवर चाहिए, तो 1/4 मोल पर लीटर के चेंज के लिए कितना चाहिए आपको 1/4 आवर चाहिए, 1/4 आवर चाहिए, या आप इसको कह सकते 0.25 आवर चाहिए, या आप कह सकते हो 15 मिनट चाहिए, कितना चाहिए आपको 15 मिनट चाहिए। सिंपल, आपको सिंपल यहां पे पीएच टेक्निक लगानी है, अगर आप में से कोई फॉर्मूला लगाना चाहे तो भी लगा सकता है, बिल्कुल वैसे ही ना, इसमें कोई डिफरेंस की बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत आसानी से सवाल लेकिन ऐसे हो जाते हैं। अगर आप करो 2 से 1 आ रहा है, 2 से 1 आ रहा है, कंसेंट्रेशन 2 से 1 आ रहा है, 1 के चेंज के लिए चाहिए 1 घंटा, 1 के लिए चेंज चाहिए 1 घंटा, तो 1/4 के लिए चाहिए 1/4 घंटा, यानी कि 15 मिनट। सिंपल है ना, हमेशा जब भी इस तरह का आपका जीरो ऑर्डर का क्वेश्चन है पीएच टेक्निक लगाना है, पीएच टेक्निक यूज करना है, डोंट वरी मैं आपको फर्स्ट ऑर्डर में भी पीएच टेक्निक बताऊंगा है ना, आपको सारे क्वेश्चन उससे हो जाएंगे सारे के सारे, ठीक है उसमें घबराने वाली बात नहीं। ओके ये तो हो गई हमारी सिंपल बात, ठीक है, तो जब तक मेंशन करे नहीं करे है ना, आपको यही करना है, बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे आपको बताया गया, ठीक है जैसे आपको बताया गया वैसे बिल्कुल करना है। लेकिन हमने याद करो कि डेरिवेशन किसको मान के किया था, हमने डेरिवेशन इस रिएक्शन को मान के किया था कि ए गिव्स प्रोडक्ट, इसको मान के किया था, तब ये सारे आया था आपका, आया था ए नॉट एटी इक्वल टू कितना आया था आपका, एटी इक्वल टू आया था आपका ए नॉट माइनस के टी, ठीक है, टी हाफ इक्वल टू आया था आपका ए नॉट बाई टू के, और आपका टी 100% आया था कितना ए नॉट बाई के आया था, इतना आया था। एक बार एबीजे में पूछा जा चुका है कि मतलब बिल्कुल शुरुआत में कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी 100% की वैल्यू क्या होगी, ये भी पूछा जा चुका है आपका, ऐसा आया था। अब अगर ऐसा ना दे करके, ऐसा ना दे करके आपको ऐसा दे कुछ है ना, कि आपको ये जब मेंशन करे क्वेश्चन में खुद वो दे, खुद वो क्वेश्चन में ऐसा देगा तभी करना है, जब तक देखो जीरो ऑर्डर के रिएक्शन के किसी भी क्वेश्चन के लिए अब तक जो किया वही सही है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जब भी आपको कोई जीरो ऑर्डर रिएक्शन ना मिले जब तक वो खुद ना मेंशन करे आपको यही लगाया था जो अब तक आपने किया, ठीक है। लेकिन अगर रिएक्शन में खुद मेंशन है कुछ इस तरीके से, ध्यान दें, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे दे सकता है
एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे दे सकता है कि 3A गिव्स प्रोडक्ट, या आपको दे सकता है NA गिव्स प्रोडक्ट। तो याद करो, हमने डेरिवेशन को सिंपल A से मान रखा था, A मान के किया था। मैंने कहा था कि आपका N अगर आपका यहां पर कुछ और आ जाए तो चेंज हो जाएगा, है ना, NA गिव्स प्रोडक्ट। तो बिल्कुल सिमिलर डेरिवेशन, बिल्कुल सेम डेरिवेशन जैसा आपने इसके लिए किया है, बिल्कुल सेम डेरिवेशन करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा AT is equal to A naught minus MKT। यहां पे क्या आ गया, KT की जगह आ गया MKT, है ना, KT की जगह आ गया MKT। और यहां पे आएगा आपका T half is equal to आएगा A naught by 2MK, K की जगह आ गया आपका MK, यहां भी आ गया K के डायरेक्शन में आ गया आपका, आ गया MK। और आपका T 100% कितना आ जाएगा, T 100% आएगा आपका A naught by MK, कितना आएगा आपका MK है। तो इसको ध्यान रखें, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। तो बेसिकली क्या है, है ना, सारे जीरो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, सारे के सारे जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, जितना हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के क्वेश्चन किए हैं, कुछ भी मेंशन नहीं, कुछ नहीं है, बाय डिफॉल्ट आपको कुछ भी दिया आपको यही लगाना है, इनफैक्ट आपको याद नहीं रखना है। लेकिन जब स्पेशली ऐसा क्वेश्चन पूछे 3A गिव्स B प्रोडक्ट, और या फिर NA गिव्स प्रोडक्ट, है ना, NA गिव्स प्रोडक्ट, इसके लिए पूछे कि दिया रहे कि ये आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, इस तरीके से जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में और डिटेल में बात करेंगे, और इलैबोरेट कर दूंगा मैं इसको थोड़ा, ठीक है, ठीक है। तो आपका क्या होगा, के की जगह आपका एम किया जाएगा, के की जगह आपका क्या आ जाएगा, एम किया आ जाएगा, सिंपल, के की जगह आपका क्या आ जाएगा, एम किया आ जाएगा। अगर आप डेरिवेशन में इंटरेस्टेड है तो बिल्कुल आप वैसे ही कर सकते हैं जैसे आपने इसका डेरिवेशन किया है, आएगा यही, है ना। तो आपका क्या होता था, एट इज इक्वल टू ए नॉट के टी, एट इज इक्वल टू क्या आ गया ए नॉट माइनस एम के टी, के की जगह आ गया एम के टी, टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बाई टू के होता, तो यहाँ पे आ जाएगा ए नॉट बाई टू एम की, टी 100% होता आपका ए नॉट बाई के, यहाँ पे आ जाएगा ए नॉट बाई एम के आ जाएगा। डेरिवेशन आपका बिल्कुल वैसा ही है, बस आपको वहां पर कंसिडर करना पड़ेगा, वहां देखो सीधी सी बात है यार, यहां भी एन है, अगर आप देखना चाहो तो यहां भी एन है, यहां पे n की वैल्यू क्या है, अगर आप इसके लिए देखो, इसके लिए n की वैल्यू देखो क्या है, 1 है, na इक्वल टू प्रोडक्ट, n की वैल्यू क्या है यहां पे 1, तो दैट इज नथिंग बट n is equal to 1, इन सारे केसेस में n is equal to 1 हमने लेके किया था, ठीक है, n is equal to 1 लेके किया था। यहां पे आएगा आपका a naught minus mkt, a naught minus mkt, n की वैल्यू 1, a naught minus kt, t is equal to a naught by 2nk, n की वैल्यू 1 तो a naught by k, t 100% is equal to a naught by nk, n की वैल्यू 1 तो k। तो इसको आप ना ज्यादा याद मत रखना, क्योंकि इसका यूज आपको 100 क्वेश्चन अगर आपको मिलेंगे तो कहीं एक क्वेश्चन में इसका यूज मिलेगा, 100 क्वेश्चन जीरो ऑर्डर के अगर आपको मिलेंगे तो आपको कहीं एक इसका यूज मिलेगा, मोस्टली जगह इसी का मिलेगा 99 क्वेश्चंस में, इसीलिए इसको बताने की कोई खास जरूरत है नहीं, इसको लेगा और नहीं तो बच्चा और कंफ्यूज होगा और गलती करने के चांसेस बढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन यह भी आप ध्यान रखो, बिल्कुल ये जो है इसी का स्पेशल केस है, सिंपल सा केस है, ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखना, ठीक है, आसान है, ठीक है। जैसे मान लो अगर आपसे बोला जाता 3A गिव्स प्रोडक्ट, 3A गिव्स प्रोडक्ट, इसके लिए टी हाफ कितना हो जाएगा, टी हाफ विल बी ए नॉट अपॉन 2, एन की वैल्यू है 3 इंटू के, यानी टी हाफ आएगा इसके लिए क्या, ए नॉट बाई 6 के। ये आपका जीरो ऑर्डर होना चाहिए, लेकिन आपको दिया होना चाहिए कि ये जीरो ऑर्डर है, ठीक है। टाइम देख लेते कितना हुआ, बस ठीक है, हमारा टाइम लगभग हो गया है, तो हम एक आध और चीजें करेंगे, फिर हम आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करेंगे, राइट। तो इसको आप नोट कर लिया हो तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैंने आपको एक चीज बोली थी कि जब भी आपकी कोई एलिमेंट्री रिएक्शन होगी तो उसको देख के आप बता सकते हो कि भाई आपका इसका ऑर्डर कैसे होगा, इसका रेट ला एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, और कैसे बता सकते थे उसको देखते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लो आपका 2A, 2A गिव्स B, यहां से आपका आता है C प्लस D, आपका A प्लस B आ रहा है, यहां से आता है आपका D प्लस E, और आता है आपका A प्लस C इज इक्वल टू D। सपोज ऐसा क्वेश्चन है, ये आपका फास्ट है, ये आपका स्लो है, ये आपका फास्ट है, लास्ट क्लास में ऐसा कुछ किया था, ये आपका एक मैकेनिज्म है, ठीक है। तो हमने बोला था जो स्लो है, रेट हम वहीं से लिख लेते हैं कि रेट इज इक्वल टू के ए का कंसेंट्रेशन बी का कंसेंट्रेशन, स्लो स्टेप जो होती है वो आरडीएस होती है, यही बताया था हमने, स्लो स्टेप जो होती है वो हमारी आरडीएस होती है ना, यही हमारी आरडीएस है, तो हमने यहां से रेट लिख लिया, राइट। तो अब देखो एलिमेंट्री या सिंपल या सिंगल स्टेप रिएक्शन क्या होती है, एलिमेंट्री रिएक्शन हुई, एलिमेंट्री बोलते हैं, एलिमेंट्री बोले
एलिमेंट्री बोले या सिंपल बोले या सिंगल स्टेप रिएक्शन बोले, सिंगल स्टेप रिएक्शन बोले, ये क्या होती है इसको देखें, एलिमेंट्री सिंपल या सिंगल स्टेप रिएक्शन, इसमें होता ही एक स्टेप है, इसमें होता ही एक स्टेप है। फॉर एग्जाम्पल आपका एच टू प्लस आई टू गिव्स टू एच आई, ये है ही एक स्टेप की रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन, जैसे एस एन टू होता था, है ना, यही आपका वन स्टेप रिएक्शन, क्या है आपका वन स्टेप रिएक्शन। अगर एक ही स्टेप है, अगर एक ही स्टेप है तो क्या स्लो क्या फास्ट, जो स्लो है वही है, जो फास्ट है वही है, वही एक ही स्टेप है, है ना, अगर एक ही स्टेप है तो वही आरडीएस होगा, ओनली वन स्टेप, ओनली वन स्टेप, ओनली वन स्टेप, ठीक है, तो वही क्या होगा, वही आरडीएस होगा, वही आरडीएस होगा। इसीलिए एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए हम, है ना, रेट ऑफ एक्सप्रेशन डायरेक्टली लिख सकते हैं, जैसे इस रिएक्शन के बारे में, इस पर्टिकुलर रिएक्शन के बारे में अगर लिखा जाए कि ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, यह एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है, सिंपल स्टेप रिएक्शन है, तो आप ऐसा कह सकते हो कि इसमें यही एक स्टेप है, डायरेक्टली ऐसा ही हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, अगर ये सिंगल ही बन रहा है तो यही रेट डिटरमाइन स्टेप हुआ, यानी इसके लिए जो रेट आप डायरेक्टली लिख सकते हो, रेट इज इक्वल टू के एच आई का एस टू का कंसेंट्रेशन पे पावर वन, आई टू का कंसेंट्रेशन पे पावर वन, सिंपल। तो एलिमेंट्री रिएक्शन को देख के हमको ऑर्डर बताना ही चाहिए, इसका ऑर्डर हो जाएगा आपका टू, है ना, इसका ऑर्डर हो जाएगा टू, एस टू के रेस्पेक्ट में वन और आई टू के रेस्पेक्ट में वन, ठीक है। तो एलिमेंट्री या सिंपल स्टेप का रिएक्शन हम आसानी से बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जो है फर्स्ट ऑर्डर से कंटिन्यू करेंगे, है ना, आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है, अच्छे से पढ़ाई करिए। नेक्स्ट क्लास से हम, है ना, लेक्चर नंबर 5 में हम, है ना, कुछ न्यूमेरिकल्स करके फिर हम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स स्टार्ट करेंगे, जो कि आपके इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है गाइस। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, टाटा बाय बाय।